उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पुलिस की वर्दी पहनकर आए लुटेरे सचमुच पुलिस वाले ही निकले। सर्राफा व्यापारियों से 35 लाख का सोना, चांदी और नकदी लूटने वाले पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस मामले में दरोगा समेत 12 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। पुरानी बस्ती थाने में तैनात 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अब जान लीजिए मामला क्या था। ये मामला गोरखपुर जिले में सर्राफा व्यापारियों से 35 लाख का सोना, चांदी और नकदी लूट का है। घटना 20 जनवरी की है। दरअसल निचौला निवासी सर्राफा कारोबारी दीपक और रामू वर्मा बुधवार को गहने की खरीदारी करने बस से लखनऊ जा रहे थे। इसी दौरान गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वर्दीधारी दरोगा और दो सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। तस्करी करने का आरोप लगाते हुए पूछताछ करने के बहाने वहां से टेम्पो में बैठाकर नौशाड़ा ले गए, जहां दोनों की पिटाई करने के बाद गहने और रुपए से भरा बैग छीन लिया। इस घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज किया। कैंट पुलिस क्राइम ब्रांच नौशाड़ा चौकी प्रभारी बदमाशों की तलाश में जुट गए। सीसीटीवी कैमरे की जांच में मिले फुटेज के आधार पर टीम बस्ती पहुंची। वहां सर्विस लांस की मदद से पुरानी बस्ती थाने में पहुंचकर घटना में इस्तेमाल बोलेरो और लूट की रकम और गहने बरामद किए। साथ ही वारदात को अंजाम देने वाले दरोगा और दो सिपाहियों को पकड़ लिया। वहीं वारदात में शामिल एक सिपाही की तलाश की जा रही है। बस्ती के एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि आरोपी से पूछताछ करने पर पता चला कि उन्होंने लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। अगर ये सच है तो एक बार फिर यूपी पुलिस कई सवालों के घेरे में है। देखिए, कल 20 तारीख में जनपद गोरखपुर में कैंट थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें कि कुछ अज्ञात पुलिसकर्मियों के द्वारा इसको कारित करना बताया जा रहा था। इसी में 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया था, एक धर्मेंद्र यादव, एक महेंद्र यादव और संतोष यादव। धर्मेंद्र यादव सब इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल है। गोरखपुर पुलिस के द्वारा इनका नाम प्रकाश में आया गया था, जिनकी गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी करके इनके पास से सारा सामान बरामद किया गया था। इन लोगों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसके अलावा हमारे द्वारा इन तीनों जो कार्मिक है इनको निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई इसमें की जा रही है और इनको बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे घटनाक्रम में जो थाना स्तर पर सुपरवाइजरी लेवल पर जो लापरवाही बरती गई है, उसमें थाना प्रभारी और हेड मॉरर, कांस्टेबल मॉरर और जो ड्यूटी मुंशी है, इनको भी निलंबित किया गया है। साथ ही साथ में जो दो कांस्टेबल थे, महेंद्र यादव और संतोष यादव, इनके साथ में जो सहकर्मी ड्यूटी पर थे और उनको जब ये अनुपस्थित रहे अपनी ड्यूटी से, उस समय इनका दायित्व था कि थाना प्रभारी को बताते या क्षेत्राधिकारी को बताते, इन लोगों ने भी नहीं बताया। तो इसमें एक जो क्यूआरटी कमांडर है रामनगीना प्रसाद, उसको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा अन्य दो लोगों को और इसमें सस्पेंड किया गया है। तो कुल मिला के इसमें 12 लोगों पे सस्पेंशन की कार्रवाई की गई, जिसमें 3 लोग जिन्होंने आपराधिक कृत्य किया है उनके खिलाफ, और 9 लोग वो हैं जिनकी द्वारा ड्यूटी में लापरवाही बरती गई और जिसकी वजह से इस तरह की जो एक शर्मनाक घटना पुलिसकर्मियों के द्वारा कारित की गई है, इसमें सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और विभागीय कार्रवाई करके इन लोगों को जो भी विभाग के अनुशासनात्मक कार्रवाई है उसके अंतर्गत इनको दंडित किया जाएगा।